राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश दुनिया की हर खबर पाइए सीधे अपने मोबाइल पर। आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज, हर खबर पर नजर। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल पर प्रसारित खबर। जिला हरदोई से विशाल गुप्ता की खास रिपोर्ट। कुरीतियों को रोकने में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें प्रेमावती। बाल श्रमिकों की चिन्हिकान, बाल विवाह रोकने एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन कराए अविनाश कुमार। हरदोई में रानी लक्ष्मीबाई सहायता योजना, बाल संरक्षक समिति, बाल विवाह निगरानी समिति तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ टास्क फोर्स की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रेमवती की अध्यक्षता में आहूत हुई। बैठक में अध्यक्ष ने कहा कि जनपद के लवारिस एवं अनाथ गरीब बच्चों के संरक्षण के लिए बच्चों की अधिकता को देखते हुए नया बाल संरक्षण खिरे स्थापित किया जाए और बाल श्रम एवं बाल विवाह रोकने के लिए विभागीय अधिकारी व पुलिस समन्वय बनाकर कार्य करे और ऐसी कुरीतियों को रोकने में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करे। बैठक में रानी लक्ष्मीबाई योजना में थानों से समय पर रिपोर्ट न आने की जानकारी पर जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़िताओं की जांच आखिया निर्धारित समय पर प्रोबेशन कार्यालय को उपलब्ध कराएं। बैठक में जिलाधिकारी ने बाल संरक्षक समिति, सहायक श्रमायुक्त तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि ब्लॉक स्तर पर अभियान चलाकर बाल श्रमिकों को चिन्हित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने जिला प्रोबेशन अधिकारी सुशील कुमार सिंह को निर्देश दिए कि बाल श्रमिकों के चिन्हिकान, बाल विवाह रोकने एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर शिविरों का आयोजन कराएं, जिसमें आशा, आंगनबाड़ी सहायिका तथा महिला पुलिस कर्मियों को प्राथमिकता पर आमंत्रित किया जाए। बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव अलका पांडे, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा राणा, जिला कोषागार अधिकारी कंचन भारती, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष अलका गुप्ता, जिला पंचायत राज अधिकारी गिरीश चंद्र, जिला विद्यालय निरीक्षक वी के दुबे, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। रिपोर्टर विशाल गुप्ता की खास रिपोर्ट।